मैंने अपने इस चैनल पर आपको स्पेस से रिलेटेड काफ़ी स्टोरीज सुनाई हैं, लेकिन ऐसी बहुत ही कम घटनाएं होती हैं जिसमें लोग सामने निकल कर आते हैं और बताते हैं कि वो पिछले जन्म में किसी और ग्रह पर मौजूद थे। सबसे पहला सवाल कि क्या किसी को अपना पिछला जन्म याद रह सकता है। मैंने आपको पहले भी एक लड़के की कहानी सुनाई थी जिसमें वो लड़का बता रहा था कि उसका जन्म मंगल ग्रह पर हुआ था, और आज मैं आपको रैंडी क्रेमर नाम के एक आदमी की कहानी बताने वाला हूँ जिन्होंने दुनिया के सामने ये क्लेम किया है कि वो अपनी ज़िंदगी के 17 साल मंगल ग्रह पर बिता कर आए हैं। और यकीन मानिए, उनकी कहानी सुनने के बाद आपको भी उन पर यकीन होने लगेगा, क्योंकि उनकी ये स्टोरी है ही इतनी कन्विंसिंग। जी हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका की मिलिट्री ने उनकी ड्यूटी मंगल ग्रह पर भी लगाई हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। उनका कहना है कि अमेरिका की एक अलग एजेंसी है जिसका नाम मार्स डिफेंस फोर्स है। यहाँ मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने मंगल ग्रह पर अपने मिलिट्री स्टेशंस बना रखे हैं? उन्होंने कहा कि उन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत सालों तक काम किया। उन्हें एक स्पेसक्राफ्ट में बैठाया गया था और उस स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ वो लोग बैठ सकते थे जो अमेरिका की अर्थ डिफेंस फोर्स का हिस्सा थे। ये अमेरिका का एक बेहद खुफिया मरीन मिशन था, और इस प्रोग्राम के तहत आज भी अमेरिका बहुत छोटी उम्र के बच्चों को ही ट्रेनिंग दिए जा रहा है, और इस ट्रेनिंग में उन बच्चों से बहुत कुछ ऐसा करवाया जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। रैंडी ने बताया कि ये ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि जब वो बच्चे बड़े होकर मार्स पर जाएंगे तो उन्हें वहाँ कोई दिक्कत महसूस ना हो जो दिक्कतें हमें महसूस हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तकरीबन 300 बच्चे मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम के तहत तैयार किए जा रहे हैं, और उनमें से कई बच्चों की उम्र तो सिर्फ 5 साल की है। इन बच्चों के दिमाग में खास तरह की इंटरनल बॉडी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है जिससे वो बिना किसी उपकरण के भी अपने साथियों से दूर रहकर बात कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी से बात करने के लिए इनको किसी तरह के कोई सिग्नल्स की जरूरत नहीं है। बेशक सुनने में आइडिया बहुत मजेदार लग रहा है, रैंडी ने कहा कि उसे भी इस मिशन में जाने के लिए कई हफ्तों तक ट्रेंड किया गया था। जी हाँ, ये ट्रेनिंग कुछ वैसी ही थी जैसी एस्ट्रोनॉट्स को दी जाती है। यहाँ तक की भी स्टोरी चलो हम मान लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो यहाँ सभी के ऊपर से गई, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस पर विश्वास करे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के अंदर अपना कदम रखा तभी वो टाइम ट्रेवल करने लग गए। जी हाँ, वो समय में बहुत पीछे चले गए। और अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, तो ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि रैंडी के परिवार वालों को या फिर रैंडी को खुद भी ये पता ना चले कि वो असल में कितने टाइम तक धरती से बाहर रहे हैं, इसीलिए ऐसा किया गया। सन 1987 में रैंडी को एक लूनार बेस तक ले जाया गया, और इसी बेस से अब उसे मार्स पर भेजा जाना था। वो लूनार बेस कहाँ है ये आज किसी को नहीं पता, लेकिन रैंडी ने कहा कि उस बेस में अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। जैसे ही वो उसमें घुसे तभी एक बहुत तगड़ा झटका उन्हें लगा और वो बिजली की रफ्तार से अंतरिक्ष में पहुंच गए, जिससे अमेरिका का टाइम और पैसा बच गया। अब आप कहेंगे कि रैंडी को मार्स पर क्यों भेजा गया, तो इसका जवाब रैंडी ने दिया और कहा कि उनका मतलब मार्स पर जाना सिर्फ इसलिए था कि उसे वहां पर अमेरिका द्वारा पहले से ही बनाई गई 5 ह्यूमन कॉलोनीज की देखभाल करना है। उन्होंने कहा कि आपको या फिर पूरी दुनिया को ये लगता है कि मार्स एक बंजर ग्रह है, लेकिन आप सभी यहाँ गलत हैं, क्योंकि मार्स पर इतने एलियंस मौजूद हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रैंडी ने बताया कि उसने वहां पहुंचते ही 2 अलग तरह की प्रजातियों को देखा जो वहां बहुत लंबे समय से रह रही हैं। ये माना जाता है कि मार्स का वातावरण हमारे रहने लायक नहीं है, लेकिन रैंडी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वहां बहुत आसानी से हम रह सकते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि वहां पर पहले से ही रहने वाली वो 2 प्रजातियां इंसानों के लिए समस्या खड़ी कर दें। उन्होंने बताया कि ये एलियंस हमसे हजारों गुना ज्यादा समझदार हैं। इनमें से एक प्रजाति तो किसी ड्रैगन की तरह दिखाई देती है, जबकि दूसरी कुछ कुछ धरती पर रेंगने वाले जीवों की तरह दिखाई देती है। सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन रैंडी ने कहा कि अमेरिका ने मंगल ग्रह की जनजाति से अपने संबंध बना लिए हैं। रैंडी ने कहा कि वहां अमेरिका और मार्स की जनजाति के बीच 2 युद्ध पहले से ही हो चुके हैं, और धरती से गए कई इंसान अपनी जान वहां गंवा चुके हैं। इन 2 युद्धों के बाद अब एलियंस और इंसानों के बीच एक शांति समझौता हो चुका है। रैंडी के अनुसार उन्होंने कुल टोटल 20 से भी ज्यादा साल अमेरिका की सेना में बिताए, और अभी वो कुछ साल पहले ही वहां से रिटायर हुए हैं, जबकि उनकी रिटायरमेंट पार्टी धरती पर नहीं बल्कि चांद पर हुई। मुझे नहीं पता कि ये सुनकर आपका क्या रिएक्शन होगा, मैं तो बस वही बता रहा हूं जो उसने क्लेम किया। उनकी इस पार्टी में नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री डोनाल्ड तक शामिल थे।
ट्रेंडी ने बताया कि जो भी अमेरिका द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा जाता है उसे पहले एक रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसे गुजरते ही इंसान की उम्र मन चाहे आंकड़ों में तब्दील हो जाती है। और जैसे ही यहाँ ट्रेंडी की उम्र को कम किया गया तो उन्हें सीधा 1987 में पहुँचा दिया गया और इतनी उम्र कम करने के बाद उन्हें सीधा मंगल ग्रह पर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अपनी स्टोरी को पब्लिक करने का आइडिया सिर्फ उनका नहीं था बल्कि जो उनके पूर्व चीफ थे उन्होंने ही ट्रेंडी को अपनी आप बीती दुनिया के सामने रखने को कहा। उनका मानना था कि अमेरिका की इकोनॉमी हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, इसी वजह से दुनिया के और देशों ने भी अमेरिका को दबाना शुरू कर दिया है। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि वो जैसे अमेरिका को कमजोर समझ रहे हैं, असल में अमेरिका उनसे कहीं आगे निकल चुका है, बल्कि बहुत पहले निकल चुका है। बेशक सुनने में ये सब बहुत अटपटा लग रहा हो, आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं बताने से अमेरिका की इकोनॉमी पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? बेशक उन्होंने अपनी इस स्टोरी के कोई पुख्ता सबूत हमारे आगे पेश नहीं किए तो हम उनकी बातों का विश्वास क्यों करें। यहाँ उनसे अलग दो और लोग निकलकर सामने आए जिन्होंने ट्रेंडी को खास सपोर्ट किया और उन्होंने भी कहा कि वो ट्रेंडी के साथ इस खास मिशन पर मंगल ग्रह पर गए थे और इन दोनों ने भी कुछ कुछ मिलती जुलती कहानियां ही दुनिया के सामने रखी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अगर इस कहानी में 1% भी सच्चाई है कि कैसे कोई देश चांद और मंगल ग्रह पर अपने सीक्रेट बेस तैयार कर सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि अमेरिका हमसे बहुत कुछ या फिर हम कहें कि सब कुछ ही छुपाता आया है। अगर वो 60 के दशक में चांद पर एक स्पेसशिप लैंड करवा सकता है तो 1987 तक तो वो बहुत कुछ कर पाएगा। जो दो और लोग जिन्होंने ट्रेंडी का साथ दिया उन्होंने कहा कि उनका इस मिशन में अलग अलग रोल था। उनमें से एक कार्गो शिपिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने क्लेम किया कि वो सीधे तौर पर जुपिटर और मार्स के बीच में कार्गो शिपिंग को संभालता था। अब हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स पूरी तरह गैस से बने हुए हैं, तो वो वहां पर सामान किसको देता था? जबकि दूसरे बंदे ने ये क्लेम किया कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी पिछले काफी लंबे समय से उनके इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा दुनिया को कुछ ऐसे जेट्स दिए गए जिनका आज भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या ये संभव है कि इस कंपनी ने ऐसा कोई कैप्सूल तैयार कर लिया हो जो टाइम ट्रेवल कर सके? सुनने में ये चीज असंभव लग रही है, लेकिन हम इस चीज को झुठला भी नहीं सकते। लेकिन ट्रेंडी की कहानी का यही अंत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कुछ सबूत निकल कर सामने आए जिसमें साबित हुआ कि ये असाधारण मिशन एक टाइम पर पूरे किए गए थे। ड्वाइट डी हाइजन आर 1953 से लेकर 1961 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हमें पता है कि उस टाइम अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस रेस चल रही थी। बेशक उनके प्रेसिडेंट रहते हुए अमेरिका ने किसी और ग्रह या फिर चांद पर कदम नहीं रखा था, लेकिन उनके पास जानकारियां मौजूद थी जो उस समय अमेरिका की टॉप सीक्रेट हुआ करती थी। बेशक डी हाइजन आर ने कभी इन बातों को पब्लिकली नहीं बोला, लेकिन उनकी पोती लोरा इस बात का जिक्र कई बार अपने मुंह से कर चुकी है कि कैसे उनके दादा के सामने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जिन प्रोजेक्ट्स की उससे कुछ खास डिटेल्स पता नहीं लग पाई। लेकिन उसने ये जरूर कंफर्म किया कि ये तीन लोग यानी कि ट्रेंडी और वो दो लोग जो बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके दादा ने इसके बारे में उन्हें पहले ही बता रखा था। उन्होंने बताया कि ना सिर्फ उनको मंगल ग्रह पर चल रहे इस काम के बारे में पता था, बल्कि उन्होंने तो मंगल ग्रह के वासियों को धरती पर हमारे बीच आराम से रहने का प्रस्ताव तक भेजा था, जिसके बाद 1954 में अमेरिका और उन एलियंस के बीच में शांति समझौता हुआ और वो आज तक चल रहा है। और इसी शांति समझौते के बारे में ट्रेंडी ने भी अपनी बातों में जिक्र किया। लोरा को ये नहीं पता कि उसके दादा का इन पूरे मिशन में क्या रोल था। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि लोरा को सन 2007 में अमेरिका के इस लूनार बेस पर बुलाया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कभी उस लूनार बेस पर गई या नहीं? अगर मुझे बुलाया जाता तो यकीन मानिए मैं तो नंगे पैर ही वहां भाग जाता। आपको ये पूरी वीडियो कहीं ना कहीं फेक लग रही होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी ये स्टोरी सुनाई है वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो अमेरिका की सबसे बड़ी मरीन एजेंसीज के अधिकारी थे। वो कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलने वाले। उनका उठना बैठना सीधे राष्ट्रपति के साथ रहता है। इसी वजह से मैं इन स्टोरीज को ऐसे ही नकार नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों ने अपनी इस कहानी पर पूरा करियर, अपनी पूरी रेपुटेशन दांव पर लगाई है। इसी वजह से हो सकता है कि शायद इस कहानी में कोई सच्चाई जरूर हो। इस स्टोरी का हाल ही में एक प्रूफ मुझे मिला जब एक आदमी द्वारा जिसका नाम डेविड मार्टिनेज था, वो अपने हाई पावर टेलीस्कोप के साथ मंगल ग्रह पर नजर बनाए हुए था और तभी उसे वहां पर ये दिखाई दिया। जी हाँ, उसे वहां पर सिलेंड्रिकल आकार में कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखाई दिए और वहां पर ऐसे कई सारे सिलेंडर्स एक साथ रखे हुए थे। देखते ही ये लग रहा था कि ये किसी इंसानी हाथों का ही काम है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट निक्सू तोमर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।